हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने IVF करवाया, जिससे मुझे ट्विन प्रेगनेंसी हुई और मेरे दो बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का, वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि IVF के बाद, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद या फिर प्रेगनेंसी के बाद ब्लीडिंग क्यों होती है, क्या ये नुकसान इसका हो सकता है ब्लीडिंग होने का, क्या ये नॉर्मल है। तो बहुत बार मुझे दिन में ये क्वेश्चन आता है कि दीदी तुम, आपको ब्लीडिंग हुई थी क्या, मुझे ब्लीडिंग हो रही है, मुझे स्पॉटिंग हो रही है, तो क्या है इसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए। वो बहुत काफ़ी ज़्यादा डर जाती हूँ, डरने वाली बात है भी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि अगर आपने की प्रेगनेंसी जो है वो किसी भी तरीके से हुई है, चाहे वो IVF की है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की, IVF की है, IUI की है, या फिर नेचुरल प्रेगनेंसी है, उसमें आपको अपनी जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उनको टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि क्यों ज़रूरी होता है आपको दवाइयाँ लेना। तो जब मैं IVF की बात कर रही हूँ या फिर IUI की बात कर रही हूँ, जब आपका ये हो जाता है कि जैसे IUI में आपको हस्बैंड के सेलम आपके इंसर्ट कर दिया जाता है, यानी कि आपका IUI का जो पूरा सिस्टम है वो हो जाता है, और अगर जब आप IVF करवा रहे हो तो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर आपको बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं, उसमें से प्रोजेस्टेरोन होती हैं ज़्यादातर, ठीक है, आपको इंजेक्शंस होते हैं, आपको दवाइयाँ दी जाती हैं। उसमें एक दवाई होती है प्रोजेस्टेरोन की, होती है डोफेस्टन नाम की दवाई होती है, कुछ नाम अलग अलग हो सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन की ही दवाइयाँ होती हैं, एस्ट्रोजन होती है, प्रोजेस्टेरोन दोनों ही चलता है, ठीक है। डोफेस्टन, मुझे डोफेस्टन मिली थी, तो उसको मुझे तो पहले ही मिल गई थी और मैं वो खाती ही थी दवाई, और मैं टाइम पे लेती ही थी। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद अगर आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो रही है, आपको डार्क ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो नॉर्मल है। 70% लड़कियों को जो IVF के साथ चल रही होती हैं, IVF के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का टाइम होता है 14 से जो 15 दिन होते हैं, उसमें उनको हल्की फुल्की स्पॉटिंग होना नॉर्मल बात होती है 70% लड़कियों को, ठीक है। ये इम्प्लांटेशन का साइन भी हो सकता है, ये प्रोजेस्टेरोन की वजह से, जो वजाइना में रखने वाली दवाई दी जाती है उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें 70% लड़कियों को होती है, ये नॉर्मल बात है। अब बात करते हैं, लेकिन उसके लिए भी डॉक्टर आपको पहले ही कह देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं कि अगर आपको ऐसा होता है तो आपको कोई ऐसी दवाई दे दी जाती है। अगर नहीं दी है आपको कोई दवाई, तो आप जब आपकी बिल्कुल हल्की फुल्की एक दो बूंदें आई हैं तो कोई बात नहीं, मेरी वीडियो देख लो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, रहने दो, नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको इसके साथ ज़्यादा दर्द हो रही है या फिर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, फिर आपको थोड़ी डरने की ज़रूरत हो सकती है। जब आपकी थोड़ी सी स्पॉटिंग हो जाती है, तो आप इस चीज़ को ये मत समझ लो कि आपका जो ये वाला IVF है वो फेल हो गया है, इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझो, क्योंकि ये थोड़ा नॉर्मल है। लेकिन अगर आपकी जो ब्लीडिंग है ये आपको आपके IVF के बाद की प्रेगनेंसी में हुई है, तो आप थोड़ा सोचने की कोशिश करना कि ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। अगर पहले की एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्की फुल्की स्पॉटिंग सबको होती ही है। लेकिन अब आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है, आपका BHCG का टेस्ट है वो पॉजिटिव आ चुका है, और उसके बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, मुझे हुई थी उसके बाद भी, तो हमें ना एक दवाई दी जाती है, ब्लड थिनर जिसको बोलते हैं, उसका नाम इकोस्प्रिन होता है। तो डॉक्टर ने कुछ टाइम के लिए मेरी इकोस्प्रिन बंद कर दी थी, क्योंकि वो जो है वो ब्लड को पतला कर देती है, उसकी वजह से भी कई बार ब्लीडिंग होती है। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें, ये मैं प्रेगनेंसी होने के बाद की बात कर रही हूँ, डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम्हें ब्लीडिंग के साथ साथ पेट में दर्द हो रहा है, तो तुम्हें मुझसे फटाफट बात करनी है और तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचना है। लेकिन मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ऐसा मेरा पेट में दर्द का बिल्कुल सीन नहीं हुआ था। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको पेट में दर्द है, ये प्रेगनेंसी के बाद की बात कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, अगर आपको पेट में दर्द है और उसके साथ आपकी ब्लीडिंग हो रही है, तो थोड़ा खतरा हो सकता है, ये मिसकैरेज के चांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर इसके लिए आपको दवाई दे देता है, अगर आप घर बैठे फटाफट डॉक्टर को फ़ोन कर लो, अगर आपको घर बैठे इसका इलाज हो जाता है तो बहुत ठीक है,
लेकिन अगर ये ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो फिर आपको बिना सोचे समझे डॉक्टर के पास जाना होगा, क्योंकि ये अर्ली अर्ली मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबको मिसकैरेज हो। अगर आपने मेरी IUI की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बार बार ये बात बोली है कि हमारे एक भाभी थे, तो मैंने उनसे सुना हुआ था कि प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लीडिंग होती है। कई बार कुछ लड़कियां हैं जिनको रेगुलर ब्लीडिंग होती रहती है थोड़ी थोड़ी, उनको डॉक्टर जो है इंजेक्शंस ज़्यादा स्टार्ट कर देती हैं प्रोजेस्टेरोन के, उनकी जो वजाइना में रखने वाली दवाई होती है उसको बंद कर दिया जाता है और उनके सीधे इंजेक्शन चलते हैं, और ये इंजेक्शन कुछ कुछ लड़कियों के 9-9 महीने तक चलते हैं और उनको फुल बेड रेस्ट के लिए बोल दिया जाता है। लेकिन ये तब होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो, प्रेग्नेंट होने के बाद आपके पेट में दर्द होता है और साथ में ब्लीडिंग होती है, फिर ये ज़्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन अगर आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो रही है, फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल हो सकती है। तो ये दो कंडीशन में आपको ब्लीडिंग होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको कब हो रही है। तो ज़्यादा पैनिक मत हुओ, आप जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लिया करो ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि किस टाइम पे आपको डॉक्टर को बताना है कि आपको ब्लीडिंग हो रही है और किस टाइम पे आपको शांत रहना है, आपको पैनिक नहीं होना है। तो मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।